नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचार की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। दादरा नगर हवेली एवं दमन में कोविड गाइडलाइन के तहत इस साल निकाला गया ताजिया जुलूस। पार्टी पुलिस ने बगवाड़ा टोल नाके से प्लास्टिक कार्ड में ले जा रहे दारू के जत्थे को किया जब्त। सहेली में अपने मेडिकल कॉलेज के क्लब हाउस के बिल्डिंग का स्लैब अचानक हुआ धराशायी। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। दादरा नगर हवेली के सिलवासा स्थित जामा मस्जिद और बाविसा फलिया स्थित मस्जिद के पास ही ताजिया जुलूस नहीं निकालने के बदले कलात्मक ताजिया का दर्शन करवाकर वहीं पे ताजिया को किया गया ठंडा। दादरा नगर हवेली सेलवास के मेन रोड पर आई हुई जामा मस्जिद और बाविसा फलिये में आई हुई मस्जिद में ताजिया समिति द्वारा कलात्मक ताजिया तैयार किए गए थे और ताजिया जुलूस के लिए प्रदेश के कलेक्टर की जरूरी अनुमति भी ली थी, पर वर्तमान समय में चल रहे कोरोना काल को ध्यान पर लेकर ताजिया कमेटी द्वारा जिस जगह पर ताजिया बनाए गए वही जगह पर ताजिया को ठंडा करने की प्रक्रिया की जाएगी। तब बाविसा फलिया मस्जिद और जामा मस्जिद स्थित बनाए गए कलात्मक ताजिया लोगों के दर्शन के लिए खोला गया था। साथ ही में इस दिन मस्जिद के पास ही में मातम की प्रक्रिया भी मुस्लिम बिरादरों द्वारा की गई थी। बता दें कि इस्लामिक पौराणिक कथाओं के अनुसार पैगंबर सलाम मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन इस्लाम की रक्षा के लिए मुहर्रम के महीने में करबला की लड़ाई में शहीद हुए थे। इस दिन को आशुरा भी कहा जाता है, इसलिए मुहर्रम का दसवां दिन मुस्लिम बिरादरों के लिए खास माना जाता है। મોહરમનો જે પ્રોગ્રામ મનાવી છીએ દર વર્ષે, એ લગભગ અમે 1350 વર્ષથી આ પ્રોગ્રામ કરતા આવી છીએ અને 1350 વર્ષથી આ પ્રોગ્રામ રાબેતા મુજબ લગભગ અમારી જ્યાં જ્યાં સમાચું છે ત્યાં બધે થાય જ છે। અને આ વર્ષે ગયા વર્ષે કોરોનાના હિસાબે ટોટલ પ્રોગ્રામ બંધ હતા અને આ વખતે અમને મજલિસની પરમિશન મળી છે એટલે અમે રાતે મજલિસ કરીએ છીએ। અને એ મજલિસની અંદર જે અમે અંદર સોશિયલ ડિસ્ટન્સ 3-3 ફૂટથી બધાને આગા બહેરીએ છીએ અને બધાને માસ્ક પહેરી બહેરીએ છીએ અને મજલિસનો પ્રોગ્રામ પછી અમને પ્રશાસન તરફથી તાજિયાના જુલૂસની પરમિશન મળી હતી અને એ જે પરમિશન મળી એની અંદર એ લોકોએ જે અમને નિયમો ફોલો કરવા કીધા હતા એમાં અમને એવું લાગ્યું કે આમાં માણસો વધી જાય અને આપણે આ વસ્તુ સંભાળી નહીં જોઈએ એટલે અમે જુલૂસની સામેથી રાજી ખુશીથી ના પાડી દીધી કે અમારે જુલૂસ હવે કરવું નથી। અને અત્યારે જે અમારો ખાલી આ અમારા ગેટની બહાર જે કલાકનો માતમનો પ્રોગ્રામ આજનો છે અને આવતીકાલનો જે 2-2.5 કલાકનો પ્રોગ્રામ છે એની અંદર એ અમે અમારી સમાજમાં કડક સૂચના આપી દીધી છે કે કોઈએ માસ્ક પહેર્યા વગર મસ્જિદમાં રોઝામાં દાખલ થવું નહીં, માસ્ક પહેર્યા વગર કોઈએ માતમની સફમાં આવવું નહીં અને કોઈ પણ પોતપોતાની જગ્યાની અંદર બીજો માણસ ઊભો હોય વચ્ચે 3 ફૂટનું અંતર રાખીને માતમ કરવું અને 3 ફૂટનું અંતર રાખીને જ ઊભું રહેવું, કોઈએ માસ્ક વગરનું આવવું નહીં। અને અમને આ શેલવાસ પ્રશાસનનો અમારી પર ખૂબ ખૂબ એહસાન કર્યો એ લોકોએ કે અમને આભાર, પહેલી પરમિશન અમને જ મળી છે પણ એ પરમિશનમાં અમે અમારી જે ગણતરી હતી એ કરતાં અમારી પાસે માના વધારે છે અને બધા નિયમો અમારથી હસવાય નહીં એટલે અમે રાજી ખુશીથી જુલૂસની ના પાડી દીધી છે અને વગર જુલૂસથી અમે અમારો મોહરમનો પ્રોગ્રામ શરૂ રાખ્યો છે અને ખાલી પ્રોગ્રામમાં તાજિયાને બલોનો બહાર પાડવાનો નથી, અત્યારે માતમ કરવાનો છે અને કાલે માતમ કરવાનો છે, બાકી અમારા પ્રોગ્રામ બધા વ્યવસ્થિત થઈ ગયા। मुहर्रम हमारे इमाम हुसैन की याद में मनाया जाता है, उनके लिए मुहर्रम 1 से लेकर 10 तारीख तक हर रोज़ ये प्रोग्राम होता है और होते रहेगा इंशाल्लाह। आगे भी हमेशा ये प्रोग्राम चालू रहेगा, 1 से लेकर 10 मुहर्रम तक ये हमारे इमाम हुसैन की शहादत में जो ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है इनके लिए जितना भी हो सके मुस्लिम भाई इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और न्याज शरबत इधर हर जगह पे चौराहे पे तबील वगैरह लगाते हैं और ये प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ आज इफ्तार का भी प्रोग्राम रखा है सुबह से, ये शरबत और न्याज का प्रोग्राम आज सुबह से ही चालू है और इसके लिए
सुबह से लेकर शाम तक अभी मगरिब के नमाज के बाद ईशा की नमाज के बाद तक ये प्रोग्राम चालू रहेगा। दमन में मुस्लिम समुदाय द्वारा कलात्मक और आकर्षक जुलूस निकाला गया। यह जुलूस खारावाड़ से सीधा नानी दमन जेटी पर ले जाया गया। दमन में इस बार कलात्मक ताजिया का जुलूस निकाला गया। पिछले दो सालों से कोरोना की महामारी के चलते सभी धार्मिक त्योहारों मनाने पर प्रशासन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। ऐसे में दमन में कोरोना के केस की कमी को देखते हुए कोरोना गाइडलाइन के तहत प्रशासन ने धार्मिक कार्यक्रम करने की अनुमति दी है, जिसके चलते दमन के मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा कलात्मक और आकर्षक तालिया जुलूस निकाला गया था। इस जुलूस में दमन के खारीवाड़, गांचीवाड़ और मस्जिद इलाके में से छोटे बच्चों के सहित हर कोई जुलूस में जुड़ा था। इस बार कोरोना के चलते ताजिया जुलूस खारावाड़ से सीधा नानी दमन जेटी के किनारे ले जाकर ठंडा किया गया था। जुलूस के दौरान दमन पुलिस द्वारा भी जरूरी बंदोबस्त रखे गए थे। મારું નામ અબ્દુલ કાદિર ઇબ્રાહિમ નાતુજા છે અને હું આ સુંદર જમાત ખારાવાડનો પ્રેસિડેન્ટ તથા મુતવલી છું અને આ આજે મોહરમના દસ સાન છે અને કલેક્ટર સાહેબ તરફથી અમને જે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપવામાં આવેલી હતી તે હિસાબે અમે આ તાજિયાને આ જે રૂટથી અમને પરમિશન અમને આપેલ છે તે રૂટથી અમે ટ્રોલીમાં સ્ટે કરીને ટ્રોલી ઉપર મૂકીને ડાયરેક્ટ ઠંડા કરવા ડાયરેક્ટ દરિયા પર જૈન સ્ટેટ થઈને ડાયરેક્ટ દરિયા પર ચાલી જશું। અમે આ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગને બધું રાખીને અમે આ ઉત્સવ ઉજવી રહ્યા છીએ। હવે ખાલી ફક્ત અમારા એરિયામાં જે અવાલા છે જેને અમે અવાલા કહીએ છીએ એ અવાલા ઉપર તાજિયા ફેરવીને પછી સીધા યાથી કાઢીને સીધા જૈન સ્ટેટ થઈને ડાયરેક્ટ દરિયા ઉપર ચાલી જશે। અવાલા ફરિયામાંથી કાઢેલું છે, અત્યારે મસ્જિદ પાસેથી શરૂઆત કરી અને અવાલા ફરિયા સુધી આવેલા છે અને અવાલા ફરિયાથી હવે ડાયરેક્ટ અમે દરિયા ઉપર જશું। હા, ટોટલ તાજિયા અમારા ટોટલ 19 તાજિયા છે, બધા મળીને નાના મોટા થઈને અને દરેક મહોલ્લાના તાજિયા છે અને એમાં જમાત તરફથી 3 તાજિયા રહે છે, એક સુન્નત જમાત ખારાવાડ, એક સુન્નત જમાત જાપાબાદ અને એક સુન્નત જમાત ગાંચીવાડા, એમનું આ તાજિયું છે જેને કંઈ મન્નતનું તાજિયું કહેવામાં આવે છે। એ 3 તાજિયા મેઇન છે અને પછી બાકીના પોતાની મન્નતના તાજિયા છે અને અમે તાજિયા જે દર વર્ષની જેમ કાઢે છે એ રીતે જ કાઢે છે અને એ પહેલાં ગઈકાલે રાત્રે જે અમે લોકો અમારી દરેકના ઘરે જે તાજિયા મૂકવાનો હોય ત્યાં મૂકે છે અને ત્યાંથી કાઢીને રાત્રે પાછા આવવાના ઉપર જે અમારું પ્રોસેસ છે તે કરીને ફરી વાર તાજિયા તેમની જગ્યા ઉપર મૂકીને અત્યારે આજે સાંજે 5 વાગ્યાથી આ શરૂઆત કરી છે અને હવે 7 વાગ્યા પછી અમે અહીંયાથી રવાના થઈશું। પાર્ટી પોલીસને પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ કી આડ મેં શરાબ કી તસ્કરી કર રહી ટ્રક કો કિયા જબ્ત, ટ્રક ચાલક કી હુઈ ગિરફ્તારી। પારડી પોલીસ કો મિલી જાણકારી કે અનુસંધાન મેં પારડી પોલીસ પીએસઆઈ ઓર ઉનકી ટીમ ને वापी नजदीक बगवाड़ा टोल नाके पर एक वॉच बिठाई थी। इस दौरान वापी से वलसाड़ की ओर जा रहे ट्रक नंबर GJ15Z0410 वहां से पसार होने पर पुलिस ने उसकी अटकायत की थी, जिसके बाद ट्रक की जांच करने पर ट्रक के पीछे के हिस्से में रखी प्लास्टिक वेस्ट की बोरी को उठाने पर उसके नीचे से शराब की बोतलों का जत्था प्राप्त हुआ था। शराब के इस जत्थे में पुलिस को कुल 7,740 बोतल शराब की प्राप्त हुई थी, जिसकी कीमत 11,72,400 रुपया और ट्रक की कीमत 8,00,000 को मिलाकर पारडी पुलिस ने कुल 19,77,400 रुपये के मुद्दा माल को जब्त किया है। पुलिस ने इस मामले में ट्रक चालक सनी दयाल रामविलास राम रहवासी चनोद वापी और मूल निवासी उत्तर प्रदेश की गिरफ्तारी अन्य एक इसम को वांटेड जाहिर कर आगे की कार्यवाही शुरू की है। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के साइली में निर्माणधीन मेडिकल कॉलेज के क्लब हाउस बिल्डिंग का स्लैब अचानक हुआ जमीनग्रस्त। इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।
संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के सायली में निर्माणधीन मेडिकल कॉलेज के क्लब हाउस बिल्डिंग का स्लैब अचानक धराशायी होने की घटना प्रकाश में आई है। हालांकि इस घटना में किसी भी प्रकार की जानहानि नहीं होने से बड़ी दुर्घटना होने से टल गई थी। दाना के सायली में 139 करोड़ की लागत से निर्माणधीन नमो मेडिकल कॉलेज के पास बन रहे क्लब हाउस बिल्डिंग का स्लैब गुरुवार के दोपहर अचानक किसी कारणवश धराशायी हो गया था। बताया जा रहा है कि दो दिन पहले ही स्लैब को डिसेंटिंग किया गया था। तब तीन दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते स्लैब के ऊपर इनोवेटेड बीम में पानी भर जाने के चलते स्लैब धराशायी हो गया था, ऐसा जानने को मिल रहा है। जब ये घटना घटी उस वक्त से पहले ही बिल्डिंग पर काम कर रहे कामदार वहां से निकल गए थे। तब जब ये घटना घटी तब बीम के नीचे अगर कोई कामदार काम कर रहा होता तो बड़ी जानहानि वाली दुर्घटना घट सकती थी। घटना की जानकारी दाना प्रशासन को होते ही उच्च प्रशासनिक विभाग के अधिकारी और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति की जरूरी समीक्षा की थी। यह घटना घटने के बाद पूरा दिन सोशल मीडिया में नमो मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य में हल्की गुणवत्ता वाले मटेरियल्स का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए यह हादसा हुआ उस तरह की अटकलें चलती हुई देखी गई थी। हालांकि इस घटना में किसी भी प्रकार की जानहानि नहीं होते बड़ी दुर्घटना टल गई थी। कोरोना के चलते थोड़े वक्त से बाजारों में मंदी का माहौल देखने को मिल रहा था। ऐसे में बाजारों में राखी के त्योहार के चलते ग्राहकों की भीड़ बढ़ने से दुकानदारों में खुशी का माहौल देखने को मिला। वलसाड शहर में रक्षाबंधन के पर्व को लेकर बाजारों में ग्राहकों की भीड़ देखी गई, जिससे दुकानदारों के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई थी। पिछले डेढ़ साल से कोरोना की महामारी के चलते बाजारों में मंदी का माहौल देखा गया था, जिससे व्यापारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। ऐसे में रक्षाबंधन के पर्व में अब दो दिन ही बचे और ऐसे में वलसाड के बाजारों में राखी और मिठाइयों की खरीदी करने के लिए बड़ी संख्या में लोग देखे गए। पिछले डेढ़ साल के बाद इस तरह की खरीदारी करने के लिए लोग आते व्यापारी और दुकानदारों में खुशी की लहर फैल गई थी। सभी दुकानों पर ग्राहकों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का भी पालन करवाते हुए दुकानदार देखे गए थे। धर्मपुर के भीतरी इलाके में आए हुए नड़कदरी गांव में चार संस्था के सहयोग से रक्तदान शिविर का किया गया था आयोजन। धर्मपुर के भीतरी इलाकों में आए हुए गांव नड़कदरी में चार संस्था के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। धर्मपुर के नड़कदरी गांव में अतुल रूरल डेवलपमेंट फंड, रेनबो वॉरियर्स धर्मपुर, पार्थ ट्रेडर्स वापी, साकार जीवन ट्रस्ट मुंबई और समस्त आदिवासी परिवार के सहयोग से महाराष्ट्र की सीमा पर आए हुए गांव नडकधरी गांव में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इस रक्तदान शिविर में करीबन 35 जीतनी बोतल रक्त की एकत्र की गई थी। खास लोगों के अंदर रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहन मिले उस आशय से वानसदा के विधायक अनंत पटेल खास उपस्थित रहे थे। गाँव के युवा वर्ग द्वारा उत्साहपूर्वक रक्तदान करके अपना सहयोग दिया था। रक्तदान करने वाले सभी लोगों को इस अवसर पर खास उपहार भी दिया गया था। रक्तदान शिविर को सफल बनाने में गांव के नेता भुया और अन्य युवा वर्गों ने अपना सहयोग दिया था। नमस्कार, मारू नाम शंकर पटेल, रेम्बो वॉरियर्स धर्मपुर, आधा प्राथमिक शाला शिक्षक। दिनेश भाई जी भुया, ईश्वर भाई बी महला, रेम्बो वॉरियर्स धर्मपुर एमना जन्मदिन निमित्ते नड़कधरी गामे अतुल रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, अतुल रेम्बो वॉरियर्स धर्मपुर, साकार जीवन विकास ट्रस्ट मुंबई, पाथ ट्रेडर्स वापी तथा समस्त आदिवासी परिवार आयोजित आ रक्तदान केम्पनु आयोजन करवामां आव्युं। आ रक्तदान केम्प धर्मपुरना खूब ज अंतरियाळ विस्तार के ज्यां वारंवार रक्तनी अछत वर्ताय छे, तो एवा समये वलसाड रक्तदान केन्द्रना सहयोग मळी रह्यो छे, जेना कारणे अमे नड़कधरी मुकामे सरस मजाना आ केम्पनु आयोजन कर्युं छे। लोकोमां जागृति आवी छे अने लोको रक्त आपता थया छे। आजे 70-80 યુનિટ બ્લડ ભેગો કરવાનો લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવ્યો હતો અને હમણાં સુધીમાં 32 બોટલ રક્ત ભેગું કરી શક્યા છે। હવે આ કાર્યક્રમમાં બાંસદાના લોકલાડીના ધારાસભ્ય આનંદ પટેલે હાજરી આપી હતી, એમના હાથે ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું। આનંદ પટેલે આદિવાસી વિસ્તારમાં જે રક્તની જે ચળવળ શરૂ થઈ છે રક્તદાન માટેની, એના માટે લોકોને પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા। આજના કાર્યક્રમમાં અતુલ રૂરલ ડેવલપમેન્ટ ફંડ અતુલ તરફથી સ્કૂલ બેગ, પાર્થ ટ્રેડર્સ વાપી તરફથી શેમ્પૂની બોટલ, સાકાર જીવન વિકાસ ટ્રસ્ટ તરફથી ચોપર અને ઈશ્વરભાઈ મહલા તરફથી મહેમાનોના સ્વાગત માટે પુષ્પછોડ પૂરા પાડવામાં આવ્યા હતા।
આ કાર્યક્રમનું સફળ સંચાલન દિનેશભાઈના નેજા હેઠળ નડતરી ગામના આગેવાનો, એમના સરપંચ શ્રી, જિલ્લા પંચાયતના સદસ્યો શ્રી, તાલુકા પંચાયતના સદસ્યો શ્રી, તમામ આગેવાનોએ હાજરી આપી ઉપસ્થિત તમામ રક્તદાતાઓને ખૂબ પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા. છેવટે આસુરા હાઈસ્કૂલના આચાર્ય શ્રી ટંડેલ સાહેબ પણ ઉપસ્થિત રહી રક્તદાતાઓને પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા. સમાચાર સમાપ્ત કરને સે પહેલે એક નજર ફિર સે મુખ્ય સમાચારો પર. દાદરા નગર હવેલી એવમ દમણ મે કોવિડ ગાઈડલાઈન કે તહત ઇસ સાલ નિકાલા ગયા તાજિયા જુલૂસ. પાર્ટી પુલિસ ને બગવાડા ટોલ નાકે સે પ્લાસ્ટિક કાર્ડ મે લે જા રહે દારૂ કે જથ્થે કો કિયા જપ્ત. સાયલી મે અપને મેડિકલ કોલેજ કે ક્લબ હાઉસ કે બિલ્ડિંગ કા સ્લેબ અચાનક હુઆ ધરાશાયી. ये थे अब तक के समाचार. नए समाचारों के साथ फिर मुलाकात होगी. नमस्कार.